अपनी पार्टी के लीडर और डीडीसी उम्मीदवार बराए वाकुरा सईद असगर अली रिजवी ने आज मीडिया से बात करते हुए आवाम से अपील की है कि डीडीसी इलेक्शन में मुझे कामयाब करके खदमत करने का मौका फराहम करें। इन्होंने कहा है कि डीडीसी इलेक्शन लोगों की बका के लिए हैं और आवाम को इस वक्त सुनहरा मौका है अपना बेहतरीन नुमाइंदा चुनने का। असगर अली ने कहा है कि अपनी पार्टी में शमूलियत करने का मेन मकसद यह है कि पार्टी आवाम की खदमत करने के लिए वजूद में आई है और नाम रखा गया है उसमें एक मिठास भरी हुई है। कश्मीर क्राउन के लिए गांदरबल से साबिक अली साबिक की ये रिपोर्ट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। मौज़ा सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नवी वलवला पैदा कर नौजवानो, शिकायत से वक्तिश मुकर नौजवानो, कमर गंड कदम तुल, ये दम छी गनीमत, सफ़र जूठ छी कर सफ़र नौजवानो। मैं सईद अली असगर रिजवी वाकुरा बी कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। ये जो डीडीसी इलेक्शन है इसमें कोई ना पॉलिटिशन है, ना कोई फरेब है, ना कोई धोखा है। ये खाली लोगों के लिए हमें खदमत करनी है, लोगों के मसाइल जो है उनको उजागर करना है, तो बाकी उसमें कोई फरेबकारी नहीं है। मैं अपनी पार्टी लीडरान सईद अल्तफ़ बुखारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे मंडेट दिया। नाम में कितनी मिठास है, ये सबों की पार्टी है, ये किसी खानदानी राज नहीं है। इसमें आप देख रहे हैं किस तरह लोगों को यहाँ धोखा दिया जा रहा है, तो इसे हटकर इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, खाली ये लोगों के लिए निकली है पर डेवलपमेंट के लिए और कुछ नहीं। इंशाल्लाह लोग मुझे खासकर डब, वाकुरा, बटवीना, नारायण बाग, शालहार ये मुझे वोट दे। इंशाल्लाह रहमान ये देखेंगे कि मैं इनकी कितनी खदमत करूँगा। उनके लिए बस सिर्फ यही मैसेज है कि 10 दिसंबर सुबह इंशाल्लाह सब लोग निकले घरों से और मेरा निशान जो है वो बैठ है उस पर वोट डाले और मुझे कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इकबाल नबी, डीडीसी कैंडिडेट टंगमर्ग। आओ इकट्ठे मिल के आज जंग लड़ें, गरीबी के खिलाफ, नाइंसाफ़ी के खिलाफ, ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ, सोशल एवल्स के खिलाफ। आप और हम मिलके चलें तभी हम अपनी मंजिल पा सकते हैं। जिस मंजिल का ख्वाब हमने देखा, आपने देखा, हमारे जो आने वाले जनरेशन है हमने उनके लिए देखा। लैपटॉप आपके सामने है, वही तरक्की की निशानी है। लैपटॉप का बटन दबाइए और इकबाल नबी को जिताइए। मैं इरफान अहमद चक डीडीसी इलेक्शन बोनियार कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहा हूँ। मेरी गुजारिश है बोनियार के जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी में रह रहे गांव लोग, बहनें, भाई और नौजवानों से मेरी यही अपील है कि आप अपना कीमती वक्त 7 दिसंबर को निकाल के, टेबल मेरा निशान है, टेबल का बटन दबा के मुझे बाहरी अक्सर से कामयाब कीजिए और बोनियार के लिए एक नया इनकलाब होगा। मेरा जो चुनावी निशान है वो टेबल है, टेबल 7 दिसंबर को अपने जो कीमती से कीमती वक्त निकाल के, मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा, आप मुझे भारी अक्सरियत से कामयाब कीजिए।